प्रदेश के रीवा से है, जहां जैन धर्म द्वारा पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर रीवा के कटरा जैन मंदिर में भव्य शोभा यात्रा का जुलूस निकाला गया। यह शोभा यात्रा रीवा कटरा जैन मंदिर शुरू होकर सिंधी चौक होते हुए फोर्ट रोड जैन मंदिर पहुंची। तत्पश्चात स्टैचू चौराहा, प्रकाश चौराहा, धोबिया टंकी होते हुए कटरा जैन मंदिर में जुलूस का समापन किया गया। जैन धर्म के अध्यक्ष नेमी चंद्र जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पर्युषण पर्व 13 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान जैन समाज द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों ने कई कार्यक्रम जैन मंदिर में आयोजित किए। वहीं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जैन धर्म जियो और जीने दो, यह संदेश की ओर चल रहा है। जुलूस का लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। आइए सुनते हैं जैन धर्म के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। दशलाक्षण पर्व का अंतिम दिन का जुलूस यहाँ पर निकाला गया। जैन धर्म में 10 दिन जो है धर्म की प्रभावना किया जाता है, जो उत्तम क्षमा से शुरू होती है और ब्रह्मचर्य व्रत तक जाती है। जैन धर्म अहिंसामयी धर्म है, जियो और जीने का संदेश देता है। इसी कार्यक्रम में, इसी तारतम्य में इस जुलूस को जो है अंतिम रूप दिया गया। जैन रीवा से हम लोगों के जो दक्षिण 10 लाखन पर्व चल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मनाए हुए हैं और सभी ने मंदिर में जी में आकर के पूजा अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए। और जो कोरोना चल रहा था उसके बाद हम लोगों को तो इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं मना पाया था। इसलिए ये हर उल्लास का समय है और आज तो इतनी खुशी और उल्लास का दिन है कि हम लोगों ने जुलूस निकाला और जगह जगह प्रसाद वितरण हुआ और दांडिया हुआ, नृत्य हुआ, सभी द्वारे में सभी में आरती प्रक्षालन किया भगवान जी का, आज अभिषेक हुआ और सभी ने सामूहिक भोजन किया।